डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद सलीम सर, बायो साइंस वाला, आपके लिए एक यूट्यूब चैनल लेकर आया है जिसका नाम है बायो साइंस वाला। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। स्टूडेंट्स, सिक्स स्टैंडर्ड का पहला यूनिट नेचुरल रिसोर्सेस, एयर, वाटर एंड लैंड, ये हम शुरू करने जा रहे हैं। इस यूनिट में सबसे पहले हम तो रिसोर्सेस क्या हैं, रिसोर्सेस किसे कहते हैं और नेचुरल रिसोर्सेस क्या होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे और रिसोर्सेस की कितनी टाइप्स हैं ये हम पढ़ेंगे। जब हम ये लेसन ख़त्म करेंगे तो आप लोग जो है रिसोर्सेस की इम्पॉर्टेंट, उनके यूजेस को समझने के काबिल हो जाएंगे और इसी तरह से आप लोगों के पास नेचुरल रिसोर्सेस हमारे पास कितने परसेंटेज है, कितने परसेंटेज में है, इसकी एक डिटेल मालूमात होगी। हमारे इस नेचुरल रिसोर्सेस को कौन कौन सी चीज़ें जो हैं नुकसान पहुंचा रही हैं, किस टाइप का जो है पॉल्यूशन से नुकसान होता है, वो हम समझने के काबिल होगी, लायक होगी। स्टूडेंट्स, मैं आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हमारे पहले टॉपिक की तरफ आ रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि टेक्स्ट बुक्स में एक डायग्राम दी हुई है और हमें कहा जा रहा है ऑब्जर्व द पिक्चर अलोंग असाइड एंड आंसर द क्वेश्चंस, और कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसके बाजू में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये पिक्चर दी हुई है, ये इसलिए दी हुई है कि हमको हमारा जो टाइटल है नेचुरल रिसोर्सेस, एयर, वाटर एंड लैंड, ये अच्छे से समझ में आ जाए। और यहाँ ये तीनों चीज़ें समझने के लिए हमको कुछ क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है ये कहा जा रहा है, वेयर डू वी सी द बर्ड्स। अब हम जानते हैं बर्ड्स कहाँ होते हैं। बर्ड्स जो है ये एयर में होते हैं। बर्ड्स कहाँ होते हैं, एयर में होते हैं। अब एयर क्या है तो हम जानते हैं, एयर इज मिक्सचर ऑफ द गैसेस विच इज सराउंड टू आवर अर्थ, और इसी मिक्सचर ऑफ गैसेस को जिसमें एयर होती है उसे हम एटमॉस्फियर कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? यस, एटमॉस्फियर। जी, तो हम ये कह सकते हैं वेयर डू वी सी द बर्ड्स, तो हम ये कह सकते हैं वेयर डू वी सी द बर्ड्स, वी सी द बर्ड्स इन द एटमॉस्फियर। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, वेयर इज द काउ ग्रेजिंग, तो हम ये कह सकते हैं कि जो गाय हैं ये कहाँ ग्रेजिंग हो रही है, कहाँ चर रही है, तो काउ इज ग्रेजिंग ऑन द अर्थ। अब ये अर्थ कहाँ होती है, तो अर्थ जो होती है ये कंप्राइजेस करती है, हमारा एक हिस्सा लैंड का होता है, लैंड होती है, तो उसे हम कहते हैं लिथोस्फीयर, जो इस डायग्राम में भी यहाँ बताया हुआ है, लिथोस्फीयर, यू कैन सी हियर लिथोस्फीयर। तो हम कह सकते हैं वेयर इज़ द काउ ग्रेजिंग, काउ इज ग्रेजिंग ऑन द लिथोस्फीयर। सेकंड क्वेश्चन इज आल्सो देयर, दैट इज लोकेट द ट्रीज एंड द रोड। अब आपको कहा जा रहा है कि बताइए ट्रीज और रोड कहाँ है, तो ट्रीज भी कहाँ प्लांट करते हैं हम, वी प्लांट द ट्रीज ऑन द अर्थ, मीन्स हम ये कह सकते हैं
कि ट्रीज एंड द रोड्स आर लोकेट्स ऑन द लिथोस्फीयर, जो ज़मीन का हिस्सा होता है हमारे बायोस्फीयर में। एक्चुअल में बायोस्फीयर एक टर्म है बायोलॉजी की, बायोस्फीयर, इसे हम बायोस्फीयर क्यों कहते हैं कि ये हमारा जो अर्थ है, ये अर्थ तीन स्फीयर से कंप्राइजेस होता है, तीन स्फीयर से बनता है। एक होता है हाइड्रोस्फीयर, एक होता है लिथोस्फीयर और एक होता है एटमॉस्फेयर। ये तीन स्फीयर मिलकर बायोस्फीयर बनाते हैं। अब व्हाई वी कॉल्ड इट बायोस्फीयर, हम इसे बायोस्फीयर क्यों कहते हैं, बिकॉज लाइफ इज प्रेजेंट ऑन दिस स्फीयर। लाइफ यहाँ मौजूद है, यहाँ लाइफ पाई जाती है। लाइफ इज प्रेजेंट इन द थ्री फॉर्म, प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसलिए हम बायोस्फीयर कहते हैं इसे। और ये बायोस्फीयर की तीन स्फीयर है, हवा का जो हिस्सा है एटमॉस्फेयर कहलाता है, पानी का जो हिस्सा है वो हाइड्रोस्फीयर कहलाता है, और ज़मीन का जो हिस्सा है वो लिथोस्फीयर कहलाता है। बायोस्फीयर को हम बायो प्लैनेट भी बोलते हैं, बायो प्लैनेट। स्टूडेंट्स यू नो वेरी वेल व्हाट यू नो, आवर अर्थ इज प्लैनेट, आवर अर्थ इज प्लैनेट। तो ड्यू टू दिस वी कॉल्ड आवर अर्थ इज बायो प्लैनेट। फोर्थ क्वेश्चन इज ऑल्सो देयर स्टूडेंट्स, फोर्थ क्वेश्चन इज ऑल्सो गिवन हियर, वेयर डज द रिवर कम फ्रॉम और हाउ डज इट फ्लो। हम जानते हैं स्टूडेंट्स कहाँ से निकलती है नदियाँ, कहाँ से निकलती है नदियाँ, निकलती है पहाड़ों से, नदियाँ निकलती हैं पहाड़ों से। और किधर जाती है, ये किधर फ्लो होती है, ये निकलती है ज़मीन पर फ्लो होती है। नदियाँ, नाले, समंदर, ये सब चीज़ें बनती है फिर उससे। तो जहाँ से नदियाँ निकलती हैं वो कौन सा हिस्सा है, यस लिथोस्फीयर। और जहाँ नदियाँ बहती है वो कौन सा हिस्सा है, लिथोस्फीयर। अंडरस्टैंड, यस। फिफ्थ क्वेश्चन जो यहाँ दिया हुआ है स्टूडेंट्स, वो फिफ्थ क्वेश्चन से है, वेयर इज एरोप्लेन लोकेट, वेयर इज एरोप्लेन लोक, वेयर इज द एरोप्लेन, ये क्वेश्चन दिया हुआ है स्टूडेंट, वेयर इज द एरोप्लेन। आपको पिक्चर में यहाँ देखिए, आपको पिक्चर में जो है एरोप्लेन दिखाई दे रहा है शायद यहाँ पर, ये देखिए मैं इसको ऐसा मार्क कर रहा हूँ, दिख रहा है, हाँ दिखा है। तो एरोप्लेन उड़ रहा है, कहाँ उड़ रहा है, ज़मीन पर उड़ता है, पानी में उड़ता है, कहाँ उड़ता है, हवा में उड़ता है। तो हम कह सकते हैं एरोप्लेन इज इन द एयर, मीन्स इन द एटमॉस्फेयर। अभी आप देखेंगे स्टूडेंट्स एक छठा क्वेश्चन है यहाँ पर। छठा क्वेश्चन क्या है, वेयर आर द फिश सीन। अब आपको यहाँ फिश कहाँ दिखाई दे रही है, छठा क्वेश्चन देखिए आप, वेयर आर द फिश सीन, आपको फिशेस दिखाई दे रही होगी यहाँ पर, ये दिख रही है, मैंने मार्क किया इसको, दिख रहे, यस। तो हम ये कह सकते हैं कि फिश आर इन द वाटर, या हम कहेंगे फिश आर सीन इन द हाइड्रोस्फीयर। क्या कहेंगे हम, फिश आर सीन इन द हाइड्रोस्फीयर। सेवन क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, सेवन क्वेश्चन है। अब ये सेवन क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं, ऑन व्हाट इज द सेल बोट फ्लोटिंग। बोट अभी कभी आपने ज़मीन पे चलाया का बोट, बोट को कभी हवा में उड़ाया आपने, कागज़ की बोट को, नहीं, काय में चलाना पड़ता हमको बोट को, वाटर में, पानी में। तो वी सी द बोट वेयर इन द वाटर, मीन्स इन द हाइड्रोस्फीयर। कहाँ दिख रही है हमको बोट, हाइड्रोस्फीयर में।
तो फ्रॉम दिस पिक्चर विच इज़ गिवन अलॉन्ग अ साइड व्हाट वी अंडरस्टैंड दैट स्टूडेंट्स, वी अंडरस्टैंड दैट आवर बायोस्फीयर मीन्स आवर लैंड इज कंप्राइजेज बाय थ्री स्फीयर विच आर एटमोस्फियर, हाइड्रोस्फियर एंड लिथोस्फियर. एंड इन दिस स्फीयर्स लाइफ इज प्रेजेंट, लाइफ इज देयर, लाइफ इज देयर. ड्यू टू दिस वी कॉल इट बायोस्फियर. सो इन दिस वीडियो वी हैव ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द बेसिक क्वेश्चंस ऑफ आवर रिलेटेड टॉपिक दैट इज नेचुरल रिसोर्सेज, एयर, वाटर एंड लैंड.